ही अब राम 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 राम। धन्यवाद निर्विवाद सदा करते रहिए, जाहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। क्षेत्र क्षेत्र के नामक 13वां अध्याय स्वामी जी महाराज ने आज समाप्त किया है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण आज 14वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। जो चर्चा साधक जनों इब्राहिम सम्राट की चल रही है जारी रखते हैं। उसे दो झटके जिंदगी में लग गई, परमात्मा की कृपा ने दो झटके लगाए हैं अपनी कृपा का पुण्य पात्र बनाने के लिए। प्रथम झटका घर की दासी ने दिया था, दो घंटे सोने से ऐसी मखमली शैया पर मुझे इतने कोड़ों से मार पड़ी है। राजन, तू ना जाने कितनी देर से इस पर सो रहा है, तेरा क्या हाल होगा। दूसरा झटका छत पर घूम रहे सुदागर देखा, जिस प्रकार ऊंटों का महल पर पहुंचना असंभव, इसी प्रकार से राजा साहब मखमली शैया पर शयन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति भी असंभव। तैयारी हो रही है, अतएव राजा साहब अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देते हैं। तीन पुत्र हैं, अभी वही हैं, अभी राज्य को छोड़ा नहीं, कुछ एक झटकों की अभी और जरूरत, पर तैयारी हो रही है। ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया है, सब कुछ दे दिया है, एक अनमोल मोती अपने पास रखा है, तीनों को बता दिया है, तीन पुत्र हैं, तीनों को बता दिया है, बस सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, एक अनमोल मोती मैंने अपने पास रखा है, आप तीनों में से जो सर्वाधिक होनहार होगा उसे दूंगा। राजगद्दी देने के लिए तो मैं बाध्य था, ज्येष्ठ पुत्र को दी जाती है, इसमें योग्यता अयोग्यता देखने वाली कोई बात नहीं, वो मैंने दे दी, लेकिन ये अनमोल मोती जो है ये मैं उसे ही दूंगा जो आप तीनों में से सबसे ज्यादा योग्य होगा। लगभग एक महीना हो गया है, ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया, कहा वत्स, पिछले एक महीने में तूने कौन सा परोपकार का काम किया है, ये तैयारी है। देखिए, राज्य संबंधी कोई बात नहीं पूछी, परमेश्वर किस ढंग से आज के सम्राट इब्राहिम को कल के
उच्च कोटि के संत महात्मा के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले गुणों से संपन्न करेंगे, दुर्गुण निकालेंगे, गुणों से संपन्न करेंगे, उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान करेंगे। ऐसे नहीं, तप करवाएंगे, तपस्या करवाएंगे, दुर्गुण दूर करवाएंगे, सदगुणों से परिपूर्ण करेंगे, तब जाके संताई मिला करती है। ऐसे नहीं, कौन सा परोपकार पिछले महीने में किया? कहा पिताश्री, घूमने के लिए निकला हुआ था अपने ही नगर में, अपने ही राज्य में, एक सेठ मिला, उसके हाथ में एक थैली थी, मुझे देखते हुए कहा, राजकुमार ये थैली अनमोल हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है, ये तेरे भेंट, तो इसे अपने छोटे भाई को दे देना। पिताश्री, मैंने उसकी बात पर जो उसने कहा विश्वास कर लिया, मुझे लगा इसमें अनमोल हीरे मोती जोहरात इत्यादि हैं, मेरे मन में लोभ नहीं आया, लालसा नहीं जगी, किसी प्रकार का कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने पास ही क्यों ना रख लू, मझले को क्यों ना दे दू, छोटे को क्यों दू, कोई बात इस प्रकार की मेरे मन में नहीं आई। मैंने उसको छोटे को जाकर उस थैली को दे दिया, ये छोटू ये अमुक सेठ ने तेरे लिए दिया है, शाबाश बेटा। राजा इब्राहिम ने अपने पुत्र को शाबाश दी, मझले को बुलाया, कहावत, पिछले एक महीने में तूने कौन सा परोपकार का कार्य किया? कहा पितृश्री, नदी के किनारे चल रहा था, सैर कर रहा था, नदी के प्रवाह के साथ साथ ही एक महिला रोती हुई दौड़ती जा रही थी, पूछा देवी क्या बात है, क्यों बेचैन हो? वो सामने देखो मेरा पुत्र डूबता जा रहा है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, मैं कुछ कर नहीं सकती। पिताश्री, उसी वक्त कपड़ों समेत मैंने छलांग लगाई, उस माता के पुत्र को बचा के बाहर निकल के तो उसे सौंप दिया। माता ने मुझे असंख्य आशीष दिए, कहा पुत्र तूने मेरे पुत्र को ही जीवन दान नहीं दिया, मुझे भी जीवन दान दिया है, ये मर गया होता तो मैं भी मर गई होती, मेरा इकलौता पुत्र, शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। सबसे छोटे को बुलाया, कहा वत्स, पिछले एक महीने में तूने कौन सा परोपकार का काम किया है? कोई भला काम, कोई नेक काम, कोई दूसरों के हित का काम तूने किया है पिछले साल, पिछले अभी ही ने? हाँ पिताश्री, मैं कुछ ही दिन पहले की बात है, यह पास जो पहाड़ी है, टहलते टहलते पहाड़ी पर चढ़ गया, क्या देखता हूं शिखर पर एक व्यक्ति, टॉप पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, शिखर पिताश्री इस प्रकार का है, यदि वह व्यक्ति किसी और भी करवट बदलता है तो खाई में गिरेगा और उसका मरना निश्चित। मन ही मन सोचा, भूल से सोया हुआ है, इसे इस वक्त कुछ पता नहीं, किसी और भी इसने करवट ली, ये खाई में जाके गिर जाएगा और मर जाएगा। सोचा इसे ठीक ढंग से, सावधानी से इसे जगाना चाहिए, कहीं गलत ढंग से जगाया गया और ये हिल गया तो मैं इसे संभाल नहीं सकूंगा, ये फोर्सफुली खाई में जाके
गिर जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पास गया, जाके देखा पिताश्री तो अपना कट्टर शत्रु जानी दुश्मन अक्रम। एक दफा तो मन में आया मरने दो, सोचा नहीं ये मानवता नहीं है, ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरे राजा की मेरे पिताश्री की प्रजा है जानी दुश्मन है सोवट एक प्रजा है, और मैं उस प्रजापालक का पुत्र, अतएव बहुत सावधानी के साथ उसे जगाया, बोला हिलना नहीं, अपनी आंख खोल और स्वयं सावधान होके तो उठ यहां से। इसको सामने देखकर अक्रम मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुरा रहा था, दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते देख के बहुत सावधानी से वह पर्वत के शिखर से नीचे उसने पांव रखे और हमने एक दूसरे को गले से लगा लिया। हंसी खत्म हो गई, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए प्रेम अश्रु। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो हम पहाड़ी से नीचे उतरे। पिताश्री ने कहा शाबाश बेटा, ये अनमोल मोती ले लो, शत्रु में भी संभाव जो है, शत्रु में भी शत्रुता नहीं दिखती, द्वेष वैर भाव नहीं दिखता, पार्थ वह भक्त मुझे प्रिय है। आज साधक सुनो, राजा इब्राहिम अपने पुत्र के साथ रियास सिंहासन पर बैठे हुए हैं, प्रजा की बातचीत, उनकी शिकायतें, उनकी जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं दरबार लगा हुआ है, सुन रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, कोई शिकायत है उसे दूर कर रहे हैं, कोई सुझाव है उसे स्वीकार कर रहे हैं, पूरा दरबार भरा पड़ा है, अपने पुत्र को साथ बिठाया हुआ है, ट्रेनिंग है उसे, ट्रेनिंग राज्य तो उसने संभालना है, मेरी तो कहीं और तैयारी हो रही है। बाहर से आवाज आई, ऐसे लगा कोई झगड़ा हो रहा है, पता नहीं कौन झगड़ा क्या है। एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुके हुए हैं, महात्मा है, वृद्ध महात्मा, द्वारपाल से कह रहे हैं मुझे भीतर जाने दीजिएगा, ये सराय है, मुझे इसमें रहना है। इनकी आवाज में बहुत मिठास, विनम्रता है, सौम्यता है, द्वारपाल की आवाज में नहीं, कर्कशता है, क्रोध है, मूर्ख ये महल नहीं, महल है, सराय नहीं, सराय वो सामने, ये सीधी सड़क सराय को जाती है, अपना मुख बदल दूसरी तरफ कर और उधर को जा, नहीं तो मैं धक्के दे के तुम्हें बाहर निकल दूंगा। शांत भाव से महात्मा कहते हैं मत रोक भाई मुझे, मैं तुम्हें ठीक कहता हूं ये सराय है और मुझे यहां रहना है, मुझे अंदर जाने थे। द्वारपाल ने उसकी बात न सुन के जैसे ही उसे पकड़ा धक्का देने के लिए, राजा साहब अंदर बैठे हुए इस झगड़े की आवाज सुन रहे हैं, दो तीन आवाजें सुनी, मन में हुआ कौन व्यक्ति है ऐसा जो इस महल को संसार जानता है,
ये राजा का घर है, दरबार है, महल है, ये सराय नहीं है। वह क्यों आग्रह कर रहा है कि ये सराय है? संदेश भेजा, आदरपूर्वक उन्हें भीतर लाया जाए। लाके देखा, यकदम देखते ही राजा साहब का सिर झुक गया, मानो भीतर बैठे किसी ने उसे कंपेल किया, ये वंदनीय है, इसको प्रणाम कर। संत महात्मा के चेहरे पर बड़ा तेज है, बड़ी शांति है, बहुत अजीब सा, अद्भुत सा गहरा नूर है, बहुत शीतल दिखाई दे रहा है। कहा, महात्मन, बच्चा बच्चा जानता है ये सराय धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है, राजा का महल है। आप क्यों आग्रह कर रहे हैं कि ये सराय है? मेहरबानी करके आप रहना चाहते हैं तो मैं सराय में आपका प्रबंध कर देता हूं, आप वहां रहिए, या कोई दूसरी सेवा हो मेरे योग्य तो मुझे बताइएगा। कह राजा साहब, अनेक वर्ष पहले भी मैं आया था, तब तो आप नहीं थे, कौन था? मेरे पिताश्री कहा है? महात्मा ने पूछा। कहा, महाराज, उनकी डेथ हो गई है, स्वर्गवास, स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं उससे पहले भी एक बार आया था, तब तेरे पिताश्री नहीं थे, तब कौन थे? कहा, मेरे दादाश्री थे। राजा साहब, तीन बार आया हूं, तीनों बार मुझे अलग अलग व्यक्ति यहां मिले हैं, क्या भरोसा है चौथी बार आऊंगा तो मुझे आप ही मिलोगे, कोई चौथा व्यक्ति नहीं मिलेगा? ऐसे स्थान को मैं सराय न कहूं तो क्या कहूं? ऐसे स्थान को मैं धर्मशाला न कहूं तो क्या कहूं? ऐसे स्थान को मैं प्रतीक्षालय कहूं तो क्या कहूं? एक बिजली सी कौंधी राजा अब्राहिम के शरीर में, उसी वक्त से सिंहासन से उठे। कहा, महात्मन, आप ठीक फरमा रहे हैं, जहां आने का पता नहीं, यहां से जाने का पता नहीं, जहां रहने की अवधि का पता नहीं, महाराज वह सराय ही हुआ करती है। आप ठीक फरमा रहे हैं, आप आइए महाराज, इस सराय में रहिए और मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। राजा उसी वक्त सिंहासन से नीचे उतरे हैं, साधक जनों फिर कभी जिंदगी में वापस अपने राज्य में नहीं आए। आगे की चर्चा कल करेंगे साधक जनों। एक जिज्ञासु परमात्मा की खोज, शांति की खोज के लिए निकल पड़ा है। पहले किसी परमात्मा के प्यारे की खोज में, जो मुझे रास्ता दिखा सके। कहां जाना है मुझे पता नहीं, कोई परमात्मा का प्यारा मुझे मिले, मुझे बताए, दिस वे गोज टू हिम, इस सड़क को पकड़ ये परमात्मा के घर ले जाएगी। उस परमात्मा के प्यारे की खोज में राजा इब्राहिम निकल पड़े हैं। कल करेंगे साधक जनों आगे की चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।